त्रेता युग की बात है, कैलाश पर्वत के शिखर पर जो कि अनेक रत्नों से शोभित अनंत वृक्षों और लताओं से व्याप्त था, पर भांति भांति के पक्षी मधुर ध्वनियों से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे थे। जहां पर समस्त ऋतुएं अनंत पुष्पों और फलों से सुंदर ज्ञात होती थी, और जहां पर शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी, जहां पर वृक्षों की अटल और सुखद छाया में अप्सराओं की सुंदर संगीत ध्वनियां गुंजायमान थी, कोकिला कूक रही थी। ऋतुराज वसंत अपने समस्त सेवकों के साथ सदा निवास करते थे कैलाश के पर्वत पर। इसके शिखर पर सिद्ध नारायण गंधर्व तथा अपने गणों के साथ श्री गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी महाराज सदा निवास करते थे। उसी रम्य कैलाश के शिखर के ऊपर संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी शिव मौन होकर के निवास करते थे, जो समस्त सृष्टि का कल्याण चाहने वाले थे। आनंद की मूर्ति और दया रूपी अमृत के सागर, जिनका वर्ण कर्पूर और कुंद पुष्प की भांति उज्जवल है, जो पवित्र सत्व गुणमय और सर्वव्यापक है। तीन दुखियों के स्वामी, योगियों में सर्वश्रेष्ठ और योगियों को अत्यंत प्रिय, इनकी जटाओं में माता गंगा अविरल रूप से स्वच्छंद विलसित होती रहती है। इनकी विभूति से विभूषित शांति स्वरूप सर्पों की माला और मुंडों की माला गले की शोभा बढ़ाती है। जिनके तीन नेत्र हैं, जो कि तीनों लोगों के स्वामी हैं, त्रिशूल को धारण करते हैं, यथा शीघ्र प्रसन्न होने वाले ज्ञान के स्वरूप मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाले, और अंत से रहित कल्पना से अतीत, जो कि सभी का हित चाहने वाले हैं। देवताओं की बात ही क्या, जो कि महापातकी हैं, महापापी हैं, महादुष्ट हैं, उनका भी कल्याण करने में निपुण और सामर्थ्यवान। ऐसे प्रसन्न मुख महादेव को देखकर रावण ने संसार के हित की कामना से एक प्रश्न किया। रावण बोला, देव जगत गुरु सदाशिव, संसार का सदा कल्याण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये मेरी स्वामी क्षण मात्र में ही सिद्धि को प्रदान करने वाली ऐसी तंत्र विद्या को जगत कल्याण के लिए मेरे समक्ष आप रखिए। महादेव बोले, वत्स, तुमने संसार के हित की कामना से बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है, और इसलिए तुम्हारे समक्ष इस उद्देश्य नामक तंत्र को कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। मुझे कहते हैं, जिस प्रकार से केवल पुस्तक में लिखी हुई विद्या का प्रयोग बिना गुरु के मार्गदर्शन में न करने वाले शिष्य का कल्याण नहीं होता, जिस प्रकार से चंद्रमा से हीन रात्रि, सूर्य से हीन दिवस तथा राजा से हीन राज्य सुखकारी कदापि नहीं हो सकते, उसी प्रकार गुरु से हीन मंत्र भी सुख तथा फल देने वाला नहीं होता है, और इसलिए तंत्र के विषय में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। ये बालक आंतरिक प्रयोगों को करने से पहले यह आवश्यक है उसकी शर्तों को, ये नियमों को अवश्य ध्यान लिया जाए। तंत्र शास्त्र का प्रयोग अधोगति में जन्म लेने वाले को, पापी को, मूर्ख को, दा भक्ति से हीन व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को, दरिद्र को, मोह में फंसे हुए को, शंकित चित्त वाले को, और विशेष करके निंदा करने वाले प्राणी को कदापि नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसे उद्देश्य तंत्र की क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। यदि तंत्र विद्या की प्रतिष्ठा एवं अपनी आत्मा की रक्षा चाहे तो देवता और गुरु भक्त, सज्जन, बालक, तपस्वी, वृद्ध, उपकार करने वाले तथा सुमति को धारण करने वाले विद्वानों के प्राप्त होने पर ही उन्हें इस विद्या को प्रदान करना चाहिए। इसी में तंत्र शास्त्र की प्रतिष्ठा है। देवत्स, तंत्र शास्त्र के प्रयोग में तिथि, वार, नक्षत्र, व्रत, ओम, काल बेला आदि का विचार नहीं किया जाता है। केवल तंत्र के ही बल से औषधियां सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, जिनका साधन करने से क्षण मात्र में ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से इंद्र का वज्र दैत्यों का विनाशक है, वरुण का पाश महाबलवानों का उत्पादक है, जैसे यमराज का दंड सबको दंडित करता है, और जैसे अग्निदेव सबको भस्म करने की शक्ति धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शास्त्र में वर्णित प्रयोग भी शक्ति को धारण करते हैं। यह असत्य नहीं है,
अभी क्या कहें, इन मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी दिव्यता है कि वह साक्षात सूर्य को भी पृथ्वी पर बुला लें। अपकारी, दुष्ट, दुराचारी, पापी ऐसे व्यक्तियों पर यदि मारण का प्रयोग करें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बिना प्रयोजन किसी पर भी मारण का प्रयोग किया जाए तो अपना ही नाश हो जाता है। इसलिए इस तंत्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते उनको सिद्धि भी नहीं मिलती है। ए रावण, अब एक बात ध्यान से सुन लो, मारण का प्रयोग हर किसी पर उसकी थोड़ी सी त्रुटि अथवा गलती होने पर नहीं करना चाहिए। मारण का प्रयोग तभी करना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लें, जान लें यह हमको जान से मार डालेगा, तभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अतः अपनी आत्मा की रक्षा चाहने वाले व्यक्तियों को मारण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपना ही प्राण जाने का भय रहता है। जो व्यक्ति अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण विश्व को देखने वाला हो और प्रत्येक जीवात्मा को ब्रह्म के ही समान समझता हो, वह संकट के उत्पन्न होने की स्थिति पर ही मारण का प्रयोग करने का अधिकारी है। यदि दूसरा कोई मारण का प्रयोग करता है तो वह निश्चित रूप से दोष का भागी होगा। इस बात को ध्यान से जान लो। तंत्र के प्रयोग को करने से पहले मानसिक शांति की परम अवस्था को प्राप्त करना साधक के लिए आवश्यक है। ये करना चाहिए, शांति के लिए करना चाहिए, उन्नति के लिए करना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के अनैतिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए करना चाहिए। महादेव से रावण पुनः प्रश्न करता है, क्योंकि उसे जन कल्याण के लिए तंत्र के शास्त्र की आवश्यकता थी। शिव जी उसको स्पष्ट करते हैं कि जो भी क्रिया किया जाए गुरु की सहायता से ही किया जाए। शिव जी कहते हैं तंत्र शास्त्र में 6 कर्म हैं। पहला मारण, दूसरा मोहन, तीसरा उच्चाटन, चौथा विद्वेषण, पांचवा आकर्षण और छठा वशीकरण। इन प्रकार के कर्मों को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये कर्म कौन कौन से हैं उसकी भी आगे चर्चा करते हैं। शांति कर्म, वशीकरण, तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। इन 6 प्रकार के कर्मों को हमारे ऋषियों ने सत्कर्म कहा है। सत्कर्म के लक्षणों के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों, जिसके प्रयोग से रोग या किसी भी प्रकार की बाधा की शांति अथवा किसी भी अनिष्ट ग्रह की शांति की जाती है, उसी प्रयोग को शांति कर्म के नाम से जानते हैं। और जिसके प्रयोग के द्वारा किसी राजा, शत्रु, स्त्री, पुरुष या किसी इष्ट को वश में किया जाता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुकूल आचरण कराया जाता है, उस प्रयोग को वशीकरण कहते हैं। जिस प्रयोग से अग्नि, जल, शत्रु के पराक्रम या फिर शत्रु की सेना में रुकावट उत्पन्न की जाती है, उसी को स्तंभन कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के प्रयोग से एक दूसरे से लगे हुए प्रेम को छुड़ा दिया जाता है, मित्रता को शत्रुता में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको विद्वेषण के नाम से जानते हैं। और जिस प्रयोग से मनुष्य अपने स्थान को छोड़ करके भाग जाता है, अपनी स्थिति को छोड़कर पलायन कर जाता है, उसे उच्चाटन कहते हैं। और स्पष्ट है जिसके प्रयोग से मनुष्य का मरण हो जाता है उसे ही मारण कहते हैं। मित्रों, आज के अंक का उद्देश्य यह था, तंत्र के शरण में जाने के लिए एक विवेकशील गुरु के साथ एक श्रद्धा से युक्त शिष्य की आवश्यकता है। यदि आप में श्रद्धा नहीं है, गुरु में विवेकशीलता नहीं है, तो आपको तंत्र के मार्ग पर चलने का अधिकार भी नहीं है। वीडियो के माध्यम से रावण संहिता में वर्णित विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया हूँ, और ऐसी आशा है कि भविष्य में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आपके समक्ष उपस्थित हो जाए, आप तांत्रिक प्रयोगों की शरण में जाने से बचें, क्योंकि कर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत के ऊपर ब्रह्मांड गतिशील है, और वैसे सिद्धांतों के ऊपर हमें और आपको चलायमान होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड के ऊपर नियम कार्य करेगा निश्चित रूप से हमारे आपके ऊपर भी वही नियम काम करेगा। इसलिए जो भी भक्ति है, नवधा भक्ति के माध्यम से अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव समझ में आए, नैतिक मूल्यों का वर्धन करने वाला समझ में आए, तो इसे
लाइक अवश्य कर दीजिए और धन्यवाद।